वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से लॉजिक स्टडी में। तो आज हम लोग फिर से कवर करेंगे लूसेंट जीके के टॉप मोस्ट 300 क्वेश्चन। और इन 300 क्वेश्चन में आपको जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे प्लस आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन को रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो को सुनते जाना है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी, ठीक है ना। वन लाइनर क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ईयरफोन लगा लेना है और चुपचाप सारी वीडियोज़ को सुनते जाओ, ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। के सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपका एशिया है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलिया। यहां पे समझने वाली बातें हैं, कभी कभी आप एग्जाम में ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया ना लिख करके क्या आएगा, ओसियाना लिखा हुआ आएगा, दोनों में से कोई लिख जाए आप टिक करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, आपकी 1925 में। पहली रेल कब चली थी इसकी बात नहीं हो रही है, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी उसकी बात हो रही है 1925 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपका विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शून्य की खोज किसने की थी, आपके आर्यभट्ट ने। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, आपकी देवनागरी। और नेक्स्ट हमारा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, तो नील आर्मस्ट्रांग इनका नाम होता है। देखो ये सारे क्वेश्चन ना आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं और सिर्फ आपको याद भी होंगे, बस यहाँ पे सिर्फ आपको सुनते जाना है, सुनते जाना है, सारी चीज़ें आपकी रिविज़न होंगी और जैसे ही ऑप्शन आपको दिखेगा आप टिक कर देना, ठीक। चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, आपका 6 वर्ष। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं उसकी बात हो रही है, तो आपकी 12 अनुसूचियां मानी गई हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज नाम की हड्डी होती है, जो कि आपकी कहां की होती है, कान की होती है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, सबको पता है मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। सूर्योदय का देश किस नाम से, कौन सा देश प्रसिद्ध है, जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है इसीलिए इसे सूर्योदय का देश भी कहते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, आपका चाइना में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, आपका टोक्यो, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंपेस ने, प्रिंसेप ने। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, आपका कालिदास को। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपकी सुपीरियर झील। किस ग्रह को सांध का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को। और इंसुलिन का इस्तेमाल किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो ये बात सबको पता होगी, किस में, मधुमेह के इलाज में, यानी कि डायबिटीज के इलाज में होता है। शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं, हमारे भगत सिंह। और तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, आपकी हैदराबाद। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है, अरुणाचल प्रदेश। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, आपकी 1911 में। नेक्स्ट है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आपका भगत सिंह ने। आगे बढ़ रहे हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। और भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। आगे बढ़ रहे हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, 8 मई को। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, पुर्तगाल का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी, 1951। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको पता होगा H2O है। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, आपके लाला हरदयाल साहब। नेक्स्ट हमारा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है इसलिए स्टार लगा लो। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट हमारा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका मुंबई में। नेक्स्ट हमारा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, त्रिवेंद्रम में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट हमारा है कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, आपका सिद्धार्थ। और भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था, 1853। देखो यहाँ पे समझने वाली बातें हैं, जब पूछा जाए कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी, तब आप बताओगे 1925 को, लेकिन जब ये पूछा जाए सबसे पहले रेल का स्टार्टिंग कब हुई थी, तब बताओगे 1853। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक।
नेक्स्ट हमारा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपका 14 सितंबर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। नेक्स्ट हमारा है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं, आपके अफ्रीका में। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, आपका सिक्किम में। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर। और किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की थी, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने स्टार्ट किया था सबसे पहले भारत में रेलवे। नेक्स्ट हमारा है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, आपकी 639। कितनी पेशियां होती हैं, 639। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, आपको पता होगा, भारत रत्न। नेक्स्ट हमारा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंड मादन। ये क्वेश्चन तो आपने अगर SSC का पेपर दिया होगा ना, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन बताना, ये क्वेश्चन हर SSC के पेपर में आता है, मैक्सिमम में आता है, नोट कर लो और रट लो। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, आपकी कम से कम 25 वर्ष आप होने चाहिए। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। और दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, आपका हीरा है। आगे बढ़ रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपकी फीमर होती है। और फीमर कहाँ की होती है, आपके जांघ की, है ना। सबसे छोटी हड्डी कहाँ की थी, मैंने बताया एस्टेपीज होती है, कान की। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो क्या होती है, फीमर होती है, जो कि कहाँ की, हमारे पैरों के जांग की, ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है, पता होगा, गलफड़ों के। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो बहुत बार रिपीट होते हैं आप सभी के एग्जाम में। घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, आपका राजस्थान में। हवा महल कहाँ पर है, आपका जयपुर में। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास ने। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हम, कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, आपका 4 प्रांतों में बटा था। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपका गोवा है। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था, तो हॉकी आया आपका 1928 में। आगे बढ़ रहे हैं, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर के रेडी हुआ। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपका वेटिकन सिटी है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो भारत में कौन सा मरुस्थल है, आपका थार है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था, 1961 में, 61 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी, आपकी 8 मार्च 1917 को। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को। CPU का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में प्रथम वायसराय कौन थे, आपके लॉर्ड कैनिंग। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में। नेक्स्ट हमारा है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडन ग्राम में, जो कि कहाँ पे है, वैशाली के निकट में है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, आपके राकेश शर्मा। नेक्स्ट हमारा है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी, आपकी लाहौर। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, आपकी मीथेन। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था, श्रीरंग पट्टनम। पंजाब केसरी किसने कहा जाता, किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को। विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, कर्नाटक में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले देह त्याग की प्रक्रिया कहाँ पर हुई थी भगवान बुद्ध की, आपके कुशीनगर, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, आपका वंदे मातरम। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था, आपका तांबा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपका पुरी, जो कि ओडिशा में है। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, आपके राष्ट्रपति। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमर क्वेश्चन पे कि सिकंदर का सेनापति कौन था, सेलुकस निकेटस। फायहान कहां का निवासी था, आपका चीन देश का
नेक्स्ट हमारा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती में। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल। और कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, अक्सर पूछा जाता है, मदुरई तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, हर 4 वर्षों के बाद क्या होता है आपका ओलंपिक गेम्स। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आपका लेह, जो कि कहाँ पे है, आपका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, 1773 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी साहब हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आपका आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपको बस रटे हुए होने चाहिए, कि जैसे कोई पूछे तुरंत आपके जबान पे होना चाहिए। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, आपका कमल है। राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, बाघ। इसी में कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रीय पशु की बात होती है तो आप बाघ बताओगे, शेर नहीं बताना, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आपका मोर है। राष्ट्रीय खेल आपको पता होगा, हॉकी है। राष्ट्रीय जलीय जीव लोगों को पता नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, गंगा डॉल्फिन होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, तो शुक्र ग्रह जो है वो जुड़वा बहन भी कहलाता है। और सबसे चमकीले ग्रह की बात की जाएगी, मोस्ट शाइनिंग प्लेनेट की बात की जाएगी, तो उसमें भी आप कौन सा बताओगे, शुक्र ग्रह का ही नाम लोगे। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, आपका असम में है। नेक्स्ट हमारा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, यहाँ पे जे थॉमसन। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूँ मैं, आपको ये याद रखना है RTC इज इक्वल्स टू पेन। क्या रखोगे, RTC इज इक्वल्स टू पेन, यानी कि अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो क्या बताओगे, रदरफोर्ड। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो क्या बताओगे, थॉमसन। अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो क्या बताओगे, चैडविक। यानी कि RTC इज इक्वल्स टू पेन याद रखोगे तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। छोटा सा ट्रिक था, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप होते हैं, आपके 324। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हम पे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, आपकी 1921 में। और विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक माना गया है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, आपका तमिलनाडु का। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, प्लेटो ने। और इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी थी, मेगास्थनीज की द्वारा लिखी गई किताब है आपका इंडिका, जिसमें उसने इंडिया के बारे में पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, आपके मध्य प्रदेश में। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट हमारा है, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहां पर हुआ था, झेलम नदी के तट पर हुआ। और हवा महल कहां पर स्थित है, आपका जयपुर में स्थित है आपका हवा महल। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, चाणक्य ने। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध होती है, मुर्रा। और दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे कि महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सभी को रटा होगा विटामिन डी। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम होता है, दक्कन का पठार। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, आपका मेरठ से। और मीनाक्षी मंदिर की बात मैंने आपको कई बार बता रखी है, फिर से क्वेश्चन आ गया है, मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे है, मदुरई में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपका 7वां। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आपकी 1946 में। आगे बढ़ते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, अक्टूबर 1905 में। ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ था, 1936 में। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है, आपका गुड़गांव में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है, आपको पता होना चाहिए 4 वेद होते हैं। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था, खिलजी ने। नेक्स्ट हमारा है कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, उस्ताद ईसा ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे, विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। सैन वंश का संस्थापक कौन था, सामंत सैन माना जाता है।
नेक्स्ट हमारा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है, आपका सुल्व सूत्र। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था, चंदेलों ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। मैंने आपको बताया था ना ट्रिक RTC = pen, तो यहाँ पे क्या नाम आया है, यहाँ पे प्रोटॉन की बात हुई है, तो प्रोटॉन क्या मैंने बताया था, रदरफोर्ड। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। फाहयान भारत के कितने बरस रहा है, तो 6 वर्ष रहा फाहयान। और सिकंदर का गुरु कौन था, आपका अरस्तु। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया, तारापुर में। महावीर की माता का क्या नाम था, आपका त्रिशला। नेक्स्ट हमारा है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। और ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट हमारा है कि चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। और दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, आपका राजघाट होता है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 ईस्वी में, 1969 में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था, जनरल डायर ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है कि कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, कनाडा की। देखो आप लोगों में से एक बात बता दूं, जिन भी लोगों को मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो ना, तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करिएगा, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप मेरी स्पीड घटा बढ़ा सकते हो। बट आप क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत इजी, बहुत आसान, और ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर जीके जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन को याद नहीं किया जाता, सिर्फ ऐसे वीडियो देखो और ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके माइंड में सेट होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सेना जंगा कील दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को, है ना। आगे बढ़ते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईस्वी में। काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। बाकी जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं कि कटक किस नदी पर बसा हुआ है, महानदी पर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1885 में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, आपके बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, 73वां संविधान संशोधन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, जून 1757 में। और भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, रेड क्लिफ लाइन हम लोग बोलते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है, जो कि स्थल कहाँ पे है, आपका कुशीनगर में है, आपको मैं बता चुका हूँ। और कुशीनगर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, चाइना की। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, किस वर्ष शुरू हुआ था, 1969 में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। नेक्स्ट है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर आपका स्थित है, झेलम नदी। रेडियम की खोज किसने की थी, पियरे और मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट हमारा है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था, एक क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, आपका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, आपकी थायराइड होती है। और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मैक्सिको होता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है, आपका टंगस्टन का बना हुआ होता है। यहाँ पर हम सभी लोगों ने बात की है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप पे कवर होंगे। ठीक, चलो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। वास्को डगामा भारत में कब आया था, 1498 ईस्वी में।
नेक्स्ट हमारा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपका देहरादून में। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने देखते देखते लगभग 300 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिए और आपको पता भी नहीं चला। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही छोटे सेशन में हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। और हाँ, एक छोटी सी बात और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।